किसी को हेट मत दो, मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है? किसी को हेट मत दो। पावर को गॉड लाइक से क्यों निकाल दिया गया? क्यों निकाल दिया गया वो अपने मुंह से खुद बताए हैं। तो हे बीजी में फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो में मेरे भाई। तो एस पावर को गॉड लाइक से क्यों निकाल दिया गया, हम बात करने वाले इस वीडियो में मेरे भाई। तो यार एस पावर को तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है? तो एस पावर जो थे वो गॉड लाइक में गए थे, ठीक है? तो क्यों निकाल दिया गया वो अपने मुंह से खुद बताए हैं, तो उनका क्लिप दिखाते हैं, ठीक है? तो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस सुनो, मैं एक चीज क्लियर करता हूँ पहले। किसी को हेट मत दो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? किसी को हेट मत दो। सबसे पहली चीज, क्रॉन्टेन का डिसीजन नहीं था कि एस पावर नहीं खेलेगा लाइनअप में। ये मेरा इंडिविजुअल डिसीजन था कि मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। तो मैं वही बोलना चाहूंगा, क्रॉन्टेन को हेट मत दो कि क्रॉन्टेन ने गलत डिसीजन लिया, पावर को हटा दिया, ये वो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही बोलना चाहूंगा कि मेरा डिसीजन था ये, तो किसी को हेट मत दो भाई। तो हाँ गाइस, अभी देखो मैं बता देता हूँ, लाइन नहीं यार अभी तो। उन लोगों का चारों का अच्छा जा रहा है भाई। मैं गॉडल ज्वाइन किया था तभी मेरे पुराने टीम में थोड़ा कुछ इश्यूज चल रहे थे, उसकी वजह से वो तो लीव कर रहा ही था मैं। तो मेरा एक प्लान नहीं था कि मेरे को जॉय वो लीव करके गॉडल वगैरह जाना है। तो सीन ऐसा था कि मतलब जब सबको बहुत लोगों को मालूम पड़ा कि एस पावर लीव कर रहा है, तो बहुत सारे ऑफर्स आए मेरे पास। लेकिन फिर वही बात थी, गॉडल का भी आया था। द रीजन वाई आई चोज गॉडल वॉज कि मेरा सीनियर वगैरह ऑलरेडी उनके साथ था अच्छा, और मतलब बहुत कम टाइम था बीजेएमएस का लैन था, तो बहुत कम टाइम था। और क्रॉन्टेन ने बोला कि तू आ जा बीजेएमएस बीजेएस के लिए और तू देख ले कि मतलब कैसा चलता है टीम में सीन। तो मैंने भी वही बोला कि मैं आ जाता हूँ अगर मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा बीजेएमएस बीजेएस में, सिनर्जी वगैरह अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस नहीं सिनर्जी वगैरह सही लग रहा रहेगा, तो मैं नो डाउट कंटिन्यू करूंगा। और अगर कुछ नहीं रहेगा तो अपन देखेंगे जो भी डिसीजन रहेगा। तो अभी सीन वही है, आज भी आप लोगों को पता ही है मैं अभी गॉडल में नहीं हूँ। आज आप लोगों को पता है मेरे को फटक से ऑफर आ गया, और थोड़े दो तीन और से, नाम तो ऑफकोर्स नहीं ले सकता। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी करंटली सब रहने देता हूँ मैं। अभी मेरा जो सोलो परफॉर्मेंस है, सोलो गेम है, अभी बीजेएस वैसे भी खत्म होने वाला है। जॉनी से बात क्यों नहीं कर रहे भाई? जॉनी और मेरा तो एकदम सॉर्टेड है भाई, आमने सामने भी। हम लोग का तो कुछ था ही नहीं, गेम के अंदर गेम के बाहर सब सॉर्टेड था।